घर सीखने का संसाधन, कोर्स 3, प्रश्नोत्तरी, सीएम राज प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे कि व्यवहार गणित और सूझबूझ प्रश्नोत्तरी में पहला है घर आधारित शिक्षण से संबंधित बच्चों की अब तक की सीख का आकलन करने एवं अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करने हेतु आप निम्नलिखित में से किस आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? सीखने के लिए आकलन, पहला पहेलियों द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास किया जा सकता है? संज्ञानात्मक कौशल का विकास, भाषा कौशल का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। इसमें सही है ए और बी। सुशील सर ने अपने कक्षा के बच्चों को घर आधारित शिक्षण के अंतर्गत पड़तालों पर आधारित कई गतिविधियां करवाईं और बच्चों ने बताई बहुत सी गतिविधियां करके दिखाई, पर वे बच्चों की समझ एवं प्रगति परखने के पीछे के तरीके नहीं चुन पा रहे। आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? इसका सही आंसर होगा ए और सी। मंजूषा मैडम की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं एवं अपने विचार रखने में कतराते हैं। बच्चों को संवाद करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मंजूषा मैडम को आप क्या सलाह देंगे? इसका सही आंसर होगा बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले ओपन एंडेड सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। अहमद सर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की घर पर ही संख्या संक्रियाओं जैसे कि गुणा भाग आदि की बुनियादी समझ बनाने के लिए गतिविधियों का निर्माण कर रहे हैं। आपके हिसाब से उन्हें किन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा बी और ई। घर आधारित शिक्षण जारी रखने के लिए सभी तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के साथ निरंतर साझेदारी बनाए रखना आवश्यक है। सभी अभिभावकों के साथ साझेदारी बनाए रखने के लिए आपके अनुसार निम्न में से कौन से तरीके सबसे प्रभावी हैं? इसका सही आंसर होगा बी और डी। रिजा मैडम की कक्षा अभी हाल ही में पिकनिक पर गई थी। आज रिजा मैडम ने बच्चों से उनके अनुभव जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जैसे क्या आपको मजा आया, क्या आपने बहुत सारी चीजें देखी, आपको जाके अच्छा लगा। मैडम ने पाया कि बच्चों ने कुछ शब्द या एक वाक्य में उत्तर देकर चर्चा को खत्म कर दिया। आपके अनुसार रिजा मैडम के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों से ज्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपके 7 में से 7 अंक प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके आने वाले प्रशिक्षणों के लिए मैं और प्रश्नोत्तरी के लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।